तो बच्चे अब आप जो फिफ्थ सम है जिसमें आपको फिलिप्स में दिया है ग्रेटर देन इक्वल और लेस, ये आप खुद अपने आप कर सकते हो। पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखोगे, फिर आप इसमें फिल करोगे। नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिए हैं, ठीक है, तो इसका भी सेम प्रोसीजर है। हम पहले इनको लाइक बनाएंगे, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, उसके बाद हम अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 2/5 -6/10, 8/-6 एंड -13/-30। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले जिसके डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और ये माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। नाउ एलसीएम जो आएगा आपका 6, 5, 6, 10 और 30 का एलसीएम आएगा 30। अब सबका डिनोमिनेटर हमने 30 बनाना है। अब आप देखो 2/5 है, इसका डिनोमिनेटर अगर 30 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 5, 6 जा 30, तो ऊपर भी 6 है, 6 through the 12। नेक्स्ट है -6/10, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये बन गया -18/30। -8/6, इसको किससे करेंगे, 5 से, -40/30, और लास्ट वाले का ऑलरेडी 30 है तो इसको करने की नीड नहीं है। अब आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले नेगेटिव वाला सबसे बड़ा आएगा, 40/30, -18/30, 12/30 एंड देन 13/30। अब इसके ओरिजिनल वाले लिख देंगे -8/6, उसके बाद -6/10, देन 2/5 और 13/30। तो ऐसे हमने इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑलरेडी किए हुए हैं, बस इसमें थोड़ा नेगेटिव है तो उसका आपने ध्यान जो है वो रखना है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है सम नंबर 7, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैंने सेकंड वाला पार्ट लिया है, -3, -7/2, -15/4, 25/8, 18/-5। तो पहले माइनस को हम शिफ्ट कर देंगे और 7/ में डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर देंगे। अब आप देखोगे कि इसका 18/-5 जो है वो बन गया -18/5। नाउ एलसीएम ऑफ 2, 4, 8 एंड 5, इसका एलसीएम बच्चे आएगा 40, ठीक है। अब हम -3/1 है, इसको हमने डिनोमिनेटर को 40 बनाना है, तो इसको मुझे 40 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया -120/40। -7/2, इसका हमने डिनोमिनेटर 40 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 20 से, -140/40। नेक्स्ट -15/4, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -150/40। 25/8, इसको 5 से करेंगे, 125/40 एंड लास्ट -18/5, इसको हम 8 से, -44/40। अब हमने सबको लाइक बना लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, तो पॉजिटिव वाली सबसे बड़ी क्या है, 125/40। उसके बाद नेगेटिव वाली से शुरू करेंगे, जो माइनस में सबसे छोटी है, -120/40। उसके बाद -140/40, -144/40 और लास्ट में -150/40। अब इनके आप ओरिजिनल वाले लिख दो, 125/40, ये आ गया 25/8। आफ्टर डैट -3/1, -7/2, -18/5 और लास्ट में आ गया आपका -15/4। तो ऐसे बाय टेकिंग एलसीएम एंड मेकिंग लाइक टर्म आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर दिया।
तो इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करोगे और असेंडिंग वाला भी खुद जो है रिमेनिंग पार्ट्स वो करोगे।